नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। आज अब से कुछ ही घंटों बाद बड़ा मैच होने जा रहा है, आईपीएल का सबसे पहला मैच होने जा रहा है, आईपीएल 2020 का, आईपीएल के 13वें संस्करण का सबसे पहला मैच, और ये बड़ा मैच होने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच। ऐसे में जो चेन्नई के फैंस हैं, जो मुंबई इंडियंस के फैंस हैं, और जो इनके फैन नहीं भी हैं, जो क्रिकेट के फैन हैं, वो सभी ये जानना चाहते हैं कि इस मैच में किसका पलड़ा भारी रह सकता है, कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है। तो टीम्स के मुकाबले में और साथ ही साथ पेपर पर टीम को देखते हुए, इन टीमों के खिलाड़ियों के पिछले प्रदर्शनों को देखते हुए, बड़े बड़े जो क्रिकेट के जानकार हैं वो ये आकलन लगा रहे हैं कि आज के मैच में ये टीम दूसरी टीम पर भारी पड़ सकती है, इस टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा है, और वो कौन सी टीम है ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, स्पोर्ट्स आर को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरीके की खबरें, आईपीएल की हर छोटी बड़ी खबर, हर एक प्रेडिक्शन, हर एक एनालिसिस जब जब हम अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज के बड़े मैच पर बड़ा प्रेडिक्शन किया है क्रिकेट एनालिस्ट और टीम इंडिया की तरफ से पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने। आकाश चोपड़ा ने अपनी एनालिसिस में एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी की टीम के मजबूत पॉइंट्स रखे हैं, उनके कमजोर पहलू रखे हैं, साथ ही साथ रोहित शर्मा यानी मुंबई इंडियंस की टीम के भी मजबूत और कमजोर पहलू रखे हैं। लेकिन दोनों टीमों की एनालिसिस करते वक्त उन्होंने ये कहा है कि उनके मुताबिक, अंत में वीडियो में उन्होंने ये कहा कि उनके मुताबिक उन्हें लगता है कि पहले मैच में मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग्स पर भारी पड़ेगी। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है, उसके पीछे आधार भी बताया। उन्होंने कहा है कि पिछला आईपीएल याद कीजिए, 2019 के आईपीएल में चार बार मुंबई इंडियंस का सामना हुआ था चेन्नई सुपर किंग्स से, और चारों बार मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को चित कर दिया था, क्योंकि मुंबई इंडियंस लगातार अच्छा खेल भी रही है, उसके पास बैट्समैन भी अच्छे हैं, ऑलराउंडर्स भी अच्छे हैं, स्पिनर्स भी अच्छे हैं। लेकिन जहां तक आज के आईपीएल के मैच की बात की जाए तो आकाश चोपड़ा ने यह जरूर कहा कि क्योंकि मैचेस अब दुबई में हो रहे हैं, अबू धाबी में हो रहे हैं, शारजाह में हो रहे हैं, वहां के स्लो विकेट्स को देखते हुए मुंबई इंडियंस को थोड़ा अपने स्पिन डिपार्टमेंट पे काम करना पड़ेगा। जहां तक स्पिन डिपार्टमेंट का बात है, मुंबई से ज्यादा चेन्नई उसमें मजबूत नजर आ रही है आकाश चोपड़ा को। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा, स्पिन डिपार्टमेंट जरूर मुंबई का कमजोर है, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि मुंबई इंडियंस के 60% चांसेस है इस मैच को जीतने के, और चेन्नई सुपर किंग्स के सिर्फ 40% चांसेस है। तो क्या आप आकाश चोपड़ा की बात से सहमत हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मुंबई आज का मैच जीत जाएगी? अपना प्रेडिक्शन हमें जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।